दोस्तों, नवरात्रि में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का एक सुंदर समागम देखने को मिलता है। नवरात्रि की पूजा कई मायनों में काफ़ी खास होती है। इसके लिए किए जाने वाले हर कार्य, हर दिन का अपना महत्व होता है। नवरात्रि के 8वें दिन का भी बहुत अधिक महत्व है। इसे अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो नवरात्रि की नवमी को कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है, लेकिन कई जगहों पर नवरात्रि की अष्टमी पर कन्या पूजन का विधान है। नवरात्रि की अष्टमी माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी को समर्पित है। आइए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि नवरात्र के 8वें दिन का महत्व क्या है, पूजा विधि और इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी। सबसे पहले हम जानते हैं कि नवरात्रि के 8वें दिन का महत्व क्या है। 9 दिनों के महाउत्सव का 8वां दिन माता के महागौरी स्वरूप को समर्पित है। इसे अष्टमी या महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। माता का यह स्वरूप बहुत ही सौम्य और करुणामयी है। जो भी जातक देवी के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उसे जीवन में हो रही सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। माता का यह सौम्य रूप है मनुष्य को अभय दान प्रदान करने वाला है। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से सभी पाप, कष्ट, रोग और दुख मिट जाते हैं। जातक की सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है एवं सुख समृद्धि प्राप्त होती है। माँ महागौरी को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य देने वाली और चैतन्यमयी के नाम से भी पुकारा जाता है। नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी की पूजा को समर्पित है, जिसमें महा शब्द का अर्थ असाधारण और गौरी शब्द का अर्थ है शानदार। महागौरी का अर्थ है वह रूप जो सौंदर्य से भरपूर है, जिसमें प्रकाश चमकता है। माँ गौरी बहुत ही दयालु है, अपने भक्तों की सभी जरूरतों को हमेशा पूरा करती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इनकी पूजा अर्चना करते हैं, वो उनके सभी दुखों को हर लेती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करके अपने सभी कष्टों और चुनौतियों को दूर करो। आइए जानते हैं देवी माँ का स्वरूप कैसा है। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है और नवरात्र के 8वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर है, इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। इनकी गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है और इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके समस्त वस्त्र और आभूषण आदि भी श्वेत हैं। वृषभ पर सवार माँ की 4 भुजाएं हैं, जिसमें ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए माँ गौरी की उपासना की जानी चाहिए। महागौरी का वाहन बैल है। उन्हें हमेशा एक बैल पर सवार दिखाया जाता है। बैल पर सवार होने की वजह से इन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाते हैं। महागौरी का मंत्र क्या है? ओम देवी महागौर्याय नमः। महागौरी की स्तुति आइए जानते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महागौरी माता का बीज मंत्र क्या है? श्री क्लीं ह्रीं वरदाये नमः। महागौरी को ये मंत्र बहुत पसंद है। आइए जानते हैं कि माता की पूजा का क्या महत्व है। ऐसा माना जाता है कि महागौरी की पूजा करने से आपके जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। इनकी पूजा करने से अशुभ राहु के प्रभाव भी दूर होते हैं। नवरात्रि में महाअष्टमी ऐसा दिन माना जाता है जब भक्तों को अपने जीवन से सभी कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दुर्गाष्टमी पर माँ महागौरी को पूजा में सफ़ेद फूल, विशेष रूप से चमेली के फूल चढ़ाना चाहिए और ऊपर दिए हुए मंत्रों का पाठ करना चाहिए। इस शुभ दिन पर कन्या पूजन का नियम भी है। इस दिन कन्याओं की पूजा की जाती है, फिर उनको खीर पूड़ी खिलाई जाती है। बाद में उनकी पसंद की कोई भी वस्तु उन्हें भेंट की जा सकती है। माँ महागौरी की पूजन विधि। अष्टमी तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान के पश्चात कलश पूजन पर माँ की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन माँ को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, माँ की वंदना मंत्र का उच्चारण करें।
आज के दिन माँ की हलवा, पूरी, सब्जी, काले चने और नारियल का भोग लगाएं। अगर आपके घर अष्टमी पूजी जाती है तो आप पूजा के बाद कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। यह शुभ फल देने वाला माना जाता है। अष्टमी के दिन सर्वप्रथम सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चौकी को साफ करके वहाँ गंगा जल का छिड़काव करें। चौकी पर आपने एक दिन पहले जो पुष्प चढ़ाए थे उन्हें हटा दें। आपको बता दें, चूँकि चौकी की स्थापना प्रथम दिन ही की जाती है, इसलिए पूजन स्थल पर विसर्जन से पहले झाड़ू न लगाएं। इसके बाद आप पूजन स्थल पर आसन ग्रहण कर लें। अब माता की आराधना शुरू करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें। अब ओम गम गणपते नमः का 11 बार जाप करके भगवान गणेश को नमन करें। इसके बाद ओम महागौराय नमः मंत्र के द्वारा देवी महागौरी का आह्वान करें। देवी जी के आह्वान के बाद माता को नमन कर मंत्र का उच्चारण करें और माँ महागौरी का ध्यान करें। प्रथम पूज्य गणेश जी और देवी माँ को कुमकुम का तिलक लगाएं। साथ ही कलश, घर, चौकी को भी हल्दी कुमकुम अक्षत से तिलक करके नमन करें। इसके बाद धूप सुगंधित जलाकर माता को फूल फल अर्पित करें। आपको बता दें कि माता के महागौरी स्वरूप को सफ़ेद रंग अति प्रिय है, इसलिए उन्हें सफ़ेद कनेर के पुष्प अर्पित करें। पुष्प माला पहनाएं और संभव हो पाए तो सफ़ेद रंग के वस्त्र भी अर्पित करें। निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का यथाशक्ति अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार जप करें। एक धूपदान में उपला जलाकर इस पर लोबान, गुगल, कर्पूर या घी डालकर माता को धूप दें और इसके बाद इस धूप को पूरे घर में दिखाएं। आपको बता दें कि कई साधक केवल अष्टमी या नवमी पर हवन करते हैं, वहीं कई साधक इस विधि से धूप जलाकर पूरे 9 दिन तक साधना करते हैं। आप अपने घर की परंपरा या अपनी इच्छा के अनुसार यह क्रिया कर सकते हैं। आप भोग के रूप में ऋतुफल के साथ चावल की खीर का माता को प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। अब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ें। इसके बाद देवी महागौरी की आरती गाएं। आइए जानते हैं इस पूजा से लाभ क्या होगा। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजा, आराधना भक्तों के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है। मनुष्य को सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ये भक्त के कष्ट जल्दी ही दूर कर देती है एवं इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती है। भक्तों के लिए यह देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्याओं के पूजन का विधान है। ये धन, वैभव, सुख, शांति की अधिदात्री देवी। माता को क्या भोग लगाएं? 8वें दिन महागौरी को नारियल या उससे बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। इससे माँ खुश होती है और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। आइए जानते हैं कि माँ महागौरी की कथा क्या है और उनकी उत्पत्ति का कारण क्या है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव देवी सती के निधन के कारण बहुत दुखी थे। वे बहुत ही गहन समाधि में चले गए थे। सब देवताओं ने उनसे अपनी समाधि तोड़ने की बहुत प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव ने समाधि के बाहर आने से इनकार कर दिया और कई वर्षों तक अपनी समाधि में बैठे रहे। इसी बीच तारकासुर नाम का एक राक्षस स्वर्ग में अशांति पैदा कर रहा था। तब देवताओं ने माँ दुर्गा की पूजा की और उनसे राक्षस को हराने का उपाय पूछा। तब देवी दुर्गा ने कहा कि जब देवी सती का दूसरा जन्म होगा तो भगवान शिव को उनकी समाधि से बाहर लेकर आएंगे। उसके बाद उनका शिव से विवाह होगा, फिर उनकी संतान ही इस राक्षस का वध करेगी। देवताओं की प्रार्थना के बाद देवी सती ने हिमालय की बेटी माँ शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्हें माँ पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। एक दिन नारद ऋषि माँ पार्वती के महल में पहुँचे और उन्हें उनके पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद दिलाया। तब नारद मुनि ने उनको बताया कि भगवान शिव को पाने के लिए उन्हें कठिन तपस्या करनी होगी ताकि भगवान शिव को उसके पिछले जन्म के बारे में पता चल सके। माँ पार्वती ने भी सहमति व्यक्त की और शाही निवास की सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया। वह एक जंगल में चली गई। वहाँ पर तपस्या करते हुए कई हजार साल बीत गए, लेकिन माँ पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठंड, मूसलाधार बारिश और तूफान
सभी मौसम में लगातार तपस्या करती रही। कुछ समय बाद उन्होंने अन्न और जल भी त्याग दिया, जिसकी वजह से उनका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया। अत्यधिक तपस्या के कारण माँ पार्वती ने अपनी सारी शक्तियाँ खो दी। अंत में भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से यह भी जान लिया कि वे देवी सती का ही पुनर्जन्म है। सब कुछ जानने के बाद भगवान शिव पार्वती जी से शादी करने को तैयार हो गए। चूँकि माँ पार्वती अधिक तपस्या की वजह से बहुत ही दुर्बल हो चुकी थी, इसलिए भगवान शिव ने उनका श्रृंगार किया। भगवान शिव ने अपने बालों से गंगा के पवित्र जल से माँ पार्वती को नहलाया। इस पवित्र जल ने माँ पार्वती के शरीर से सभी अशुद्धियों को धो दिया और वह अपनी शक्ति और तेज को दोबारा पा लेती है। माँ दुर्गा के इसी रूप को महागौरी के नाम से जाना जाता है। माता के इस स्वरूप को लेकर एक और पौराणिक कथा काफ़ी प्रचलित है। कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर चढ़ाया था। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर माँ पार्वती को साक्षात दर्शन दिए और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की सलाह पर माँ पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। स्नान करते ही माता का शरीर दूध की तरह सफ़ेद हो गया। माता के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। नवरात्रि में कन्या पूजन का क्यों है महत्व? नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए हम कन्या पूजन करते हैं, जिससे जीवन में भय, विघ्न और शत्रुओं का नाश होकर सुख समृद्धि आती है। इन कन्याओं में माँ दुर्गा का वास रहता है। कन्या पूजन नवरात्रि के पर्व के किसी भी दिन या कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा कन्या पूजन से समाज में नारी शक्ति को सम्मान मिलता है। नवरात्रि में कुमारी पूजन का बहुत महत्व है। 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं का इस व्रत में पूजन करना चाहिए। देवी भगवत पुराण के अनुसार कन्या के जन्म का 1 वर्ष बीतने के पश्चात कन्या को कुमारी की संज्ञा दी गई है। अतः 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कलिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा तथा 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा के समान माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या साक्षात शक्ति का स्वरूप मानी गई है। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि दुर्गा पूजन से पहले भी कन्या का पूजन करें, तत्पश्चात ही माँ दुर्गा का पूजन आरंभ करें। कन्या पूजन की विधि क्या है? कन्याओं का पूजन करते समय सर्वप्रथम शुद्ध जल से उनके चरण धोने चाहिए। तत्पश्चात उन्हें स्वच्छ आसन पर बैठाएं। खीर, पूड़ी, चने, हलवा आदि सात्विक भोजन का माता को भोग लगाकर कन्याओं को भोजन कराएं। कन्याओं को सुमधुर भोजन कराने के बाद उन्हें टीका लगाएं और कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें। दक्षिणा देकर उनके चरण स्पर्श करते हुए यथाशक्ति वस्त्र, फल और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। इस तरह नवरात्र पर्व पर कन्या का पूजन करके भक्त माँ की कृपा पा सकते हैं। आइए जानते हैं कि कन्या पूजन करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार कुमारी पूजन के लिए कन्याएं रोग रहित होनी चाहिए। जो कन्या किसी अंग से हीन हो, कोढ़ हो या घाव युक्त हो, अंधी, कानी, कुरू, बहुत ही रोम वाली या रजस्वला हो, उस कन्या को पूजन नहीं करना चाहिए। 9 कन्याओं के साथ कम से कम 1 बालक जरूर होना चाहिए, जिसे कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में बालक को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के तुरंत बाद ही घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। कन्याओं के लिए जो भोजन बनाए उसमें भूलकर भी लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। इन सब बातों का ध्यान हमें कन्या पूजन के समय रखना चाहिए, जिससे हमसे भूलकर भी कोई गलती न हो सके और माता का आशीर्वाद हमें मिल सके। बोलिए माता महागौरी की जय। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।